देख लीजिए यहाँ पे भयंकर भीड़ है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख लीजिए। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है दोस्तों नवरात्रि का नौवां दिन और अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं ग्राम कात्रो जहाँ रहती है कुमारी माता। और आज यहाँ दोस्तों ज्वारा का विसर्जन होने वाला है। भक्तों की आप यहाँ पे अपार भीड़ देख ही सकते हैं, चारों तरफ भक्त ही भक्त है। अभी अपन लोग है कुमारी माता के घर के बाहर में, चलिए अभी अंदर लेके जाते हैं और माता रानी का अद्भुत रूप आप सभी को दिखाते हैं। आज दोस्तों माता रानी के ऊपर में माता आने वाली है, चलिए उनका दिव्य दर्शन कराते हैं। आज भाई लिया यहाँ पे आप सभी देख लीजिए दोस्तों, अपार भीड़ है भक्तों की। अभी अपन लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाके अंदर का पूरा माहौल आप सभी को दिखाएंगे। देखिए नींबू का कैसे सेवन करनी है, वो सीधा खट्टा खट्टा नींबू पूरे झुकने लगे सबके सबके। बाहर का माहौल आप सभी देख लीजिए, यहाँ पे माता रानी निकल चुकी है। ये देखिए यहाँ पे आप सभी देख लीजिए इनके ऊपर सवार है। ये है कुमारी माता अपने, देखिए यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए चलते हुए माता रानी को, भयंकर भीड़ है पूरा देख लीजिए यहाँ पे माता। तो यहाँ से आप साफ साफ देख लीजिए दोस्तों, ये आ गई अपनी कुमारी माता। पीछे तक आप सभी देख लीजिए यहाँ पे, ये है कांतो वाली कुमारी माता। यहाँ से आप सभी देख लीजिए माता रानी को मतलब है। फाइनली दोस्तों चलते चलते माता रानी तालाब के पास पहुंच चुकी है और इसी तालाब में अभी स्नान करेगी और इसी तालाब में ज्वारा का विसर्जन होगा। दिखाते हैं पूरा, भयंकर भीड़ है दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख लीजिए, पूरा पब्लिक ही पब्लिक है। और उधर रात के दूसरे हिस्से में भी माता के नहाने को इंतजार कर रहे हैं सारे लोग, देख लीजिए बहुत ही पब्लिक है। कुछ ही क्षण में कुंवारी माता भी नहाने वाली है।
ये देखिए मॉल है, पूरा मॉल देख लीजिए आप सभी, पूजा चल रहा है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है दोस्तों, द्वारा विसर्जन से पहले। दोस्तों इस प्रकार से आप सभी ने देखा कि ज्वारे का विसर्जन हो गया, वाली माता ने खुद किया है और उनका स्नान भी हो गया। इस प्रकार से माहौल था आज नवरात्रि के नवमी को दुर्ग में। सुनो को एक लाइक कीजिए और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। विसर्जन हो गया।